निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, पेट्रोल डीजल गैस के दो दाम कम ना कर सके, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। बेसिकली हमारे जो स्टेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और इंचार्ज ब्लॉक के हैं संजीव पाटा जी, उनके नेतृत्व में यहाँ तालाब जिलों में एक प्रदर्शन रखा है, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं कि भी जो पिछले दिनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्राइस बढ़ाए अपना गैस के, डीजल की और पेट्रोल की, उसके संदर्भ में हमने पूरे जम्मू जिला के अंदर हर ब्लॉक स्तर तक ये डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे चलेंगे कि लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि इस सरकार ने, इस जो NDA सरकार ने बहुत ही लोगों पर महंगाई की मार मारी है, उस महंगाई के खिलाफ कि ये रोल बैक करें, ये जो प्राइस उन्होंने बढ़ाए हैं गैस पेट्रोल और डीजल के, गरीब आवाम जो है महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस सिलसिले में उसी कड़ी में लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए आज तालाब चौक में संजीव पांडा जी के नेतृत्व में आइए डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें हमारे रमन बल्ला जी वाइस प्रेसिडेंट, मनमोहन सिंह जी हमारे ब्लॉक और वार्ड नंबर 30 नंबर वार्ड की तरफ से मैडम सुनीता शर्मा बात कर रहे हैं और अजनपा प्रधान यहाँ गए हैं, उनके नेतृत्व में आज यहाँ पे पार्टी की लीडरशिप जनरल सेक्रेटरी मनमोहन सिंह जी और हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट योगेश सहनी जी की अध्यक्षता में, आज नीतीश शर्मा जी की अध्यक्षता में ये धरना यहाँ पे है और ये प्रोटेस्ट धरना बढ़ती हुई महंगाई को देखते हैं। यहाँ आज तो 90 रुपये प्रति लीटर तेल की कीमत यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसके एलाइड सेक्टर में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मिडिल क्लास के लोग हों, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हों, जहाँ पे उनको उस पर ये घास गिरी उनका रसोई चलाना मुश्किल हो गया, और वहाँ पे ही मिडिल क्लास से संबंधित जो हमारे मुलाज़मों को अभी तक भी कई जगह पे तनख्वाह तक नहीं है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते थे कि इस पैसे को इकट्ठा करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर घर भी यहाँ पे कर पाएंगे, तो कहीं पे भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर में इसकी काज सुनाई देती है, तो ये मोहल्ले वाइज प्रोग्राम, वार्ड वाइज प्रोग्राम, हर वार्ड में इसका विरोध जो है वो कांग्रेस के लीडरशिप के नीचे वहाँ के कारपोरेटर्स हों, हमारे ब्लॉक में उसकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा, ताकि गूंगी बैरी सरकार सत्ता के नशे में सोई हुई सरकार को जगा पाए, उसका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कर पाए, ताकि कीमतों में कमी यहाँ पे आ पाए और आम लोगों का जो गुजारा है उसके चलने के लिए कुछ साधन दे।